सचिवालय के जो कर्मचारी लोग हैं ये डर गए हैं या ये झुक गए हैं, आखिर क्या वजह है कि ना तो आपकी तरफ से कोई स्टेटमेंट आ रही है। तो इसीलिए मैं आपके माध्यम से कह देना चाहता हूँ, ना तो सचिवालय का कर्मचारी झुका है, ना ही सचिवालय कर्मचारी डरा है, ना ही सचिवालय का कर्मचारी पिका है। हमसे कहा गया कि आपको विद इन 7 डेज जो है माननीय मुख्यमंत्री वार्ता के लिए बुलाने वाले हैं, तो उसको दृष्टिगत रखते हुए हमने अपना जो प्रस्तावित जनरल हाउस था वो पोस्टपोन कर दिया था। और हमें जैसे कि कहा गया था कि एक वीक का हमें टाइम दिया गया था, उसके बाद हमें फिर 16 सितंबर को कॉल आती है सेक्रेटरी टू सीएम की कि माननीय मुख्यमंत्री की तबीयत खराब हो गई है कुछ, तो आप वार्ता के लिए आ सकते हैं, मुझे उन्होंने ऑथराइज किया है। फिर हमारी 21 तारीख को वार्ता हुई, क्योंकि हमने 23 को फिर से जनरल हाउस रखा था, तो 21 को हमारी विस्तार पूर्वक सचिव मुख्यमंत्री आदरणीय श्री राकेश कंवर जी से वार्ता हुई। उसमें हमारी जो मांग थी वो यही थी कि हमारे खिलाफ जो प्रिविलेज मोशन और मेमो दिए गए हैं उसको वापस लिया जाए। उसके बाद हमारी जो मुख्य मांगे थी, जैसे कि डीए की 3 किस्तें देना, एरियर देना, नए पे स्केल का एरियर देना, और डीए की जो 1/7/2022 से हमारा जो 21 महीने का एरियर है उसको रिलीज करना, तथा कुछ और अन्य मांगे थी जैसे कि सेक्टेड अलाउंस मिल रहा है गवर्नर हाउस को, कमीशन को, लोकायुक्त को, उसको सेक्टेड पे दिया जाए। इसी तरह अन्य की मांगे थी, कॉन्ट्रैक्ट की थी, जो कॉन्ट्रैक्ट और आउटसोर्स की थी, उन पर चर्चा हुई। तो इन सारी बातों को लेके हमें आश्वस्त किया गया सेक्रेटरी एसएडी और सेक्रेटरी टू सीएम कंवर जी के द्वारा कि ये सारी बात जो है माननीय मुख्यमंत्री के ध्यान में लाएंगे। अब जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री अब आश्वस्त हैं, हमें बाहर से भी फोन आ रहे हैं, आप लोग मीडिया बंदों के भी फोन आए कि आखिर क्या हो गया, क्या वाकई सचिवालय का जो ये था ये खत्म हो गया है, या सचिवालय के जो कर्मचारी लोग हैं ये डर गए हैं या ये झुक गए हैं, आखिर क्या वजह है कि ना तो आपकी तरफ से कोई स्टेटमेंट आ रही है। तो इसीलिए मैं आपके माध्यम से कह देना चाहता हूँ, ना तो सचिवालय का कर्मचारी झुका है, ना ही सचिवालय कर्मचारी डरा है, ना ही सचिवालय का कर्मचारी पिका है। ये जो हमने अभी एक तरह से स्थगित किया है, इसके दो कारण हैं। पहला कारण, एक तो हमारी वार्ता चल रही है, कल भी हमारी कंवर साहब से बात हुई, कंवर साहब ने कहा है कि आप अपने अपने डिमांड चार्टर दे दो, क्योंकि हमारी 5 एसोसिएशन है, हमने तो पहले ही दे रखा था। सचिवालय सेवा कर्मचारी संगठन ने, जो सबसे बड़ा संगठन है यहाँ का, जिसका मैं अध्यक्ष हूँ, हमने तो पहले ही जो है अपना डिमांड चार्टर दे रखा था, लेकिन हमारे एक दो जो हमारे संगठन है उन्होंने नहीं दिया था, तो उन्होंने भी जो अपना डिमांड चार्टर दे दिया है। और हमारे को कंवर साहब ने आश्वस्त किया है कि बहुत जल्द आपकी मुख्य सचिव के साथ मीटिंग होगी, और जैसे ही माननीय मुख्यमंत्री स्वस्थ होकर सचिवालय आएंगे उसी दौरान विद इन 2-3 डेज ये उनके साथ भी वार्ता हो जाएगी। तो अब हमारा आज जो मीटिंग थी हमारी इसी पर चर्चा हुई है। अब हमने ये निर्णय लिया है कि भी ठीक है, अगर मुख्य सचिव के साथ हमारी वार्ता हो जाती है बहुत जल्द, यानी कि 30 या पहली को, तो ठीक है। और नंबर दो, और जैसे ही अगर माननीय मुख्यमंत्री जैसे ही स्वस्थ होकर आते हैं, अगर 3-4 दिनों के अंदर वो हमें वार्ता के लिए बुला लेते हैं, हमारे जो इशू जरूर सॉल्व हो जाते हैं, तो हम कोई भी आगे कोई इस तरह की कार्रवाई नहीं करेंगे, कोई रोष प्रदर्शन नहीं करेंगे, क्योंकि अगर हमारी मांगे, हमारा क्या है, हमारी मेन तो यही है कि एक तो जो प्रिविलेज मोशन आया है ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि सचिवालय क्या पूरे हिमाचल प्रदेश के इतिहास में पहली बार हुआ है कि जब चुने हुए कर्मचारी नेताओं के अगेंस्ट जो है प्रिविलेज मोशन आया है। दूसरा, जो हमारे अगेंस्ट जो है मेमो इशू हुआ है, अभी हमें पता चला है आज ही न्यूज़पेपर के माध्यम से कि सचिवालय प्रशासन ने उसमें फिर से मेरे ख्याल से 15 दिन का टाइम और लिया है, क्योंकि विधानसभा से 15 दिन के अंदर जो है इंक्वायरी कंडक्ट करने को कहा था, रिपोर्ट सौंपने को कहा गया था। अब जैसे कि 15 दिन पिछले कल हो गए थे, ये अपनी रिपोर्ट नहीं सौंप पाए, इन्होंने 15 दिन का और टाइम मांगा है, तो इन दौरान जो हमारी वार्ता भी शुरू हो गई है, तो अब हम देखते हैं कि इसमें क्या आगे निकल के आता है। जो भी होगा वो हमने आज अपनी बैठक में हमने ये निर्णय ले लिया है। 5 एसोसिएशन की मेरी अध्यक्षा या ऑफिसर एसोसिएशन की
गीता मैम है और यहाँ पे हमारे पीए प्राइवेट सेक्टरी के तुलसी जी हैं और अमर जी हैं ड्राइवर एसोसिएशन के, क्लास 4 एसोसिएशन के अपने टेक राम जी हैं। तो हमने सबने ये निर्णय लिया है कि अगर हमारे को जब माननीय मुख्यमंत्री अपना पद ग्रहण कर लेंगे, स्वस्थ होके या आ जाएंगे, अगर वो 3-4 दिनों के अंदर में नहीं बुलाएंगे तो हम फिर से अपना रोष व्यक्त करेंगे और जनरल हाउस करेंगे, और जब तक हमारी ये मांगे नहीं मानी जाती है तब तक हम संघर्षशील रहेंगे। प्रिविलेज मोशन का जो नोटिस आया था, क्या उसका जवाब आप लोग की तरफ से दे दिया गया? नहीं, ये हमारी तरफ से जवाब नहीं जाना था, क्योंकि जो प्रिविलेज मोशन का जो जवाब मांगा है उसमें जवाब नहीं मांगा था। उसमें कहा गया था सचिव विधानसभा की तरफ से कि वो 15 दिन के अंदर इसमें इंक्वायरी करें और इंक्वायरी की रिपोर्ट जो है ना विधानसभा को सौंपे, उसके बाद शायद ये प्रिविलेज कमेटी है वहां पे जाना था। लेकिन जैसा कि मैंने आपको कहा कि हमारे को समाचार पत्र के माध्यम से आज पता चला है कि सचिवालय प्रशासन ने इसमें और वक्त मांगा है। दूसरा, आप अगर पहले दौर की आपकी बातचीत हो गई है, दूसरे दौर की अगर मुख्य सचिव से होगी तो सीएम से फिर तीसरे दौर की बातचीत होगी? नहीं, हो सकता है माननीय मुख्यमंत्री जो है ना मुख्य सचिव को डायरेक्शन दे दे कि जो हमारी मांगे हैं उनको मान लिया जाए, तो तब तो तीसरे दौर की वार्ता की कोई गुंजाइश ही नहीं रहेगी। लेकिन जो ये प्रिविलेज मोशन है, मुझे लगता है इसमें तो मुख्यमंत्री का ही सबसे अहम रोल रहेगा। थैंक यू सर।